नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल 2022 परीक्षा के बारे में। तो आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है और सैनिक स्कूल का जो फॉर्म भरना है आपको 2022 के लिए, आज मैं बताऊंगा कि स्टेट वाइज हमारे कौन कौन से जो बच्चे हैं फॉर्म भरेंगे, तो कैसे कैसे वो लोग बच्चे जो है वो फॉर्म का फायदा उठा सकते हैं। 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आज की इस वीडियो में हमारा टारगेट है कि मैं आपको बता पाऊं कि आपको स्टेट वाइज कौन से सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना है। वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं कि सर कैसे हम अपने बच्चों को सैनिक स्कूल की तैयारी करवाएं, है ना, या सैनिक स्कूल में तैयारी के क्या क्या फायदे हैं, एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन से सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। 7419992928 पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरा कोई बच्चा है जो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है, तो चाहे उसके फादर फार्मर हैं, आर्मी में है, एयरफोर्स में है या सिविलियन है, ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, तो उसको अप्लाई करना है सैनिक स्कूल अमरावती नगर के लिए, ठीक है, क्योंकि स्टेट वाइज अप्लाई करने से ज्यादा फायदा होता है, वहां पे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती हैं, ठीक है। अगर मैं यूपी से हूँ, यूपी में अप्लाई करूंगा तो ज्यादा फायदा होगा। तो जो भी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका ओवरऑल 67% किसको मिलेगा, यूपी वाले बच्चे को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करोगे तो दिक्कत आएगी। ऐसे ही अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो, सैनिक स्कूल अमरावती नगर में जाके अप्लाई करते हो, तो आपको यह समझना है कि कौन आपको रेगुलर जो उसके अपडेट्स है वो कहां पे मिलेगा, www.sainikschoolamravatinagar.edu.in पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हो। तो हमेशा आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको रेगुलर चेक करना है, ठीक है, रेगुलर, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहो, आपको लगातार प्रॉपर जानकारियां मिलती रहे, कभी भी आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। प्रियंका जी का मैसेज है, 9th क्लास के लिए बताइए। 9th क्लास के लिए महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, 9th क्लास में आपके पास सैनिक स्कूल सतारा है, ठीक है जी, आपके पास दो सैनिक स्कूल है और सैनिक स्कूल चंद्रपुर है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। शैलेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सर आपके हॉस्टल में 6th मंथ की तैयारी के लिए फीस कितनी है, एक बार आप कॉल कर लो, है ना, तैयारी के लिए आप एक बार कॉल कर लो, आपको ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन लेना है, ताकि वो आपको डिटेल में समझाएं, है ना। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चा 6 महीने की तैयारी करता है तो अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपए का खर्चा आता है, जिसमें आपका रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पे आता है, अगर कोई बच्चा मेरा राजस्थान से बिलोंग करता है, ठीक है जी, अगर कोई बच्चा, ध्यान से समझना आपको, अगर कोई बच्चा मेरा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है तो वो कौन से सैनिक स्कूल में अप्लाई करेगा, सैनिक स्कूल अंबिकापुर में, यानी कोई भी छत्तीसगढ़ का बच्चा है, कोशिश करो आप अंबिकापुर में अप्लाई करो, सेम स्टेट में अप्लाई करोगे सीट्स ज्यादा मिलेंगी, अदर स्टेट में जाओगे सीट कम मिलेंगी, ठीक है। और अगर कोई भी सैनिक स्कूल अंबिकापुर की कोई भी जानकारी लेना है तो www.sainikschoolambikapur.in पर जाकर के आप डिटेल में जानकारी ले सकते हो, या आप डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो डायरेक्ट। एक बच्चे का मैसेज है, सर यूपी सैनिक स्कूल के लिए डोमिसाइल जरूरी है, बिल्कुल जी, अगर कोई बच्चा यूपी का है तो वही बच्चा सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अप्लाई कर सकता है, हर कोई यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ जिसके पापा यूपी से बिलोंग करते हैं, जिनके पापा के पास यूपी का डोमिसाइल है, सिर्फ वही बच्चा अप्लाई कर सकता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जैसे अब मान लीजिए कोई बच्चा यूपी से बिलोंग करता है तो वो बच्चा सैनिक स्कूल अमेठी का फॉर्म भर सकता है, या सैनिक स्कूल मैनपुरी का फॉर्म भर सकता है, या सैनिक स्कूल, ध्यान से समझिए, सैनिक स्कूल अमेठी मैनपुरी या सैनिक स्कूल झांसी का भी फॉर्म भर सकता है। जानकारी आपको www.sainikschoolamethi.com पर मिल जाएगी, है ना। यूपी से हो, यूपी में अप्लाई करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, यूपी में सीट्स ज्यादा हैं, तीनों में क्लास 6 के लिए टोटल 90 सीट्स हैं, है ना। तो और सबसे अच्छी बात यह कि अब लड़कियों के लिए भी ओपन हो गया है, सैनिक स्कूल में भी एडमिशन हो रहा है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी एडमिशन हो रहा है, इसके अलावा RIMC देहरादून के भी फॉर्म लड़कियों के लिए ओपन हो चुके हैं।
तो अब इंपॉर्टेंट यही है कि आप आराम से 1 साल 2 साल 3 साल प्रॉपर तैयारी करो, है ना। एकम जी का भी मैसेज आ रहा है, एक बच्चा है उसका मैसेज आया हुआ कि सर किस क्लास से शुरू करें, जब जागो तभी सवेरा। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, ठीक है जी। जितना जल्दी हमारे स्कूल में आप आइए, फर्स्ट क्लास में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सेकंड क्लास के भी बच्चे हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्लास के करीब करीब 50 से 60 बच्चे हमारे विद्यालय में तैयारी कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट यही है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। जब आप तैयारी करवाने लग जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तैयारी है, क्योंकि ये आप सिर्फ साइनिंग स्कूल की तैयारी नहीं कर रहे हो, ये आप लाइफ की तैयारी कर रहे हो। बच्चा हॉस्टल में बहुत कुछ सीखता है, हैबिट्स बन जाती हैं, हैबिट्स डिसाइड करती हैं कि आप कहां तक जाओगे, है ना। तो हॉस्टल में रहने से यही होता है कि बच्चों का बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बच्चों का दिमाग खुल जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, और वही एक्सपीरियंस बच्चों को आगे लेकर के जाता है। अब बात करते हैं गुजरात की, अगर कोई बच्चा है गुजरात से है तो वो सैनिक स्कूल बालाचड्डी के लिए अप्लाई करेगा, चाहे वो 6th क्लास में चाहे वो 9th क्लास में, ठीक है। और www.ssbalachaddi.org पर जाकर के वो सैनिक स्कूल बालाचड्डी की कोई भी जानकारी ले सकता है। सत्यम पटेल जी का मैसेज है, सर हाउ वी कैन मेक थंब प्रिंट ऑन सैनिक स्कूल फॉर्म वेयर आस्क। कुछ मत करो, अपना अंगूठा लो, ठीक है, अपना अंगूठा लो और ये पेन पकड़ो और इसके ऊपर पेन से पूरा ऐसे ऐसे करके लगा दो। देखो बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ, हिंदुस्तान है ना, देसी लैंग्वेज में जल्दी लोग समझते हैं। इसके ऊपर अच्छे से रगड़ लो और रगड़ने के बाद इसके ऊपर थंब प्रिंट कर दो, आपका जो वो है वो अच्छे से आ जाएगा। और अगर आपके पास इंक पैड है तो आप इंक पैड से भी कर सकते हो, वो और अच्छी बात है। शैलेंद्र सिंह जी का मैसेज, सर माई फादर इज ए शॉपकीपर सो फीस इज टू, तो वो 2 बार में दे सकते हैं। देखिए आप 2 बार में भी दे सकते हो, अगर आप 1 टाइम में देते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाता है ना। वो आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है, आपको कैसे कैसे आपको फायदा होगा ये आपको देखना है। आप 1 बार में भी दे सकते हो, 1 टाइम फीस में आपको काफी ज्यादा अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाता है, अच्छा खासा, है ना। 1 टाइम में क्या होता है, आपको सीधा 10,000-20,000 का डायरेक्ट डिस्काउंट हो जाता है। बात सारी अंडरस्टैंडिंग की है, कॉल करोगे 1 बार 2 बार 3 बार तो और अच्छे से आपको चीजें समझाई जाएंगी, है ना। अगर आगे चलते हैं 9th क्लास के लिए, सुरेश कुमार जी, 9th क्लास के लिए हरियाणा में सीट्स नहीं है, आप पंजाब में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आपको पंजाब में सीट्स मिल जाएंगी, आपको उत्तराखंड में, तो आप एक बार कॉल कर लो ताकि हम आपको और अच्छे से बता पाए, आपकी और अच्छी मदद कर पाए। घोड़ाखाल में आपको 9th क्लास के लिए सीट्स घोड़ाखाल में मिल जाएंगी, है ना, तो डिटेल में बात कर लो। शुभम कुमार जी, सैनिक स्कूल के लिए हम लोग 15 बुक्स का सेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप एक बार कॉल कर लो, पता कर लो डिटेल में, है ना, 15 बुक्स का सेट आपको कैसे सूट करेगा, तो आप एक बार कॉल करोगे तो आपको डिटेल में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा, अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो अगर जैसे मान लीजिए मेरा कोई बच्चा है जो उड़ीसा से वीडियो देख रहा है ना, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के लिए उसको तैयारी करना पड़ेगा, चाहे वो क्लास 6th में चाहे वो क्लास 9th में, और उसको सारी जानकारी कहां पे मिलेगी, www.sainikschoolbhuvaneshwar.org, है ना, sainikschoolbhuvaneshwar.org। और 6th क्लास में 90 सीट्स हैं और 9th क्लास में 1 भी सीट नहीं है, तो आप आसपास के स्टेट को टारगेट कर सकते हो। सौम्य तिवारी जी का मैसेज, सर क्या 2 जगह से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर 1 ही दिन होता है, तो आपको किसी भी 1 सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। जो यूपी वाले बच्चे हैं उनको 2 सैनिक स्कूल का मौका मिलता है, 1 आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर होता है और दूसरा आपका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का होता है। मूल चंद जी का मैसेज, लड़कियों के बारे में बताइए, लड़कियों को अब सैनिक स्कूल में आप अलाउ हो चुका है, 6th क्लास में 10 सीटें हैं, मिलिट्री स्कूल में भी अलाउ हो गया है, ठीक है। इसके अलावा RIMC देहरादून में भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में लड़कियों के लिए सीट फिक्स कर दिया गया है, तो अब क्या है, आराम से आप कॉल करो, जानकारी लो और मस्त होकर के तैयारी करवाओ लड़कियों के लिए। देखिए बहुत सारे स्कूल हैं, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ सैनिक स्कूल ही नहीं है भविष्य में आगे बढ़ने का, और सिर्फ मिलिट्री स्कूल या RIMC नहीं है, आपके पास गुरुकुल भी है, आपके पास सेंट्रल हिंदू स्कूल भी है,
आपके पास भोसला मिलिट्री स्कूल भी है, आपके पास हजारों रास्ते हैं। देखिए अगर कोई बच्चा पढ़ लिख रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसके पास हजारों रास्ते हैं। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर आपके लिए सारे रास्ते बंद है। ठीक है जी, सैनिक स्कूल में फीस भी कम है, डायरेक्ट ऑफिसर भी बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए का स्कॉलरशिप भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां से डायरेक्ट ऑफिसर बनने का रास्ता आपके पास है, डायरेक्ट। बात करते हैं कर्नाटक वाले बच्चों की। अगर कोई बच्चा है मेरा जो कर्नाटक से वीडियो देख रहा है, तो वो कौन से सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करेगा? सैनिक स्कूल बीजापुर के लिए, सही है। और www.ssbj.in पर जाकर के उसको सैनिक स्कूल बीजापुर की जानकारी मिल जाएगी। तो जो भी कर्नाटक का बच्चा है वो रेगुलर वेबसाइट को चेक करते रहे, है ना। कल को आपको उसी स्कूल में जाना है, कोई जानकारी चाहिए, स्कूल कब बंद हो रहे हैं, कब खुल रहे हैं, क्या फीस है, क्या उसका स्टेटस है, वो सारी जानकारी आपको डिटेल में वहीं पे मिलेगी। नरेंद्र बारक जी को मैं पहले भी समझा चुका हूं कि अगर सैनिक स्कूल कुंजपुरा में एडमिशन हो गया, तो अगर आपको एडमिशन सिलेक्शन हो गया तो आप चुपचाप एडमिशन करवा लो, सही है। चुपचाप आप एडमिशन करवा लो। और अगर देखो आप तैयारी करवा रहे हो, आपको पता होना चाहिए बच्चे का लेवल क्या है, है ना। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू का ऐड आता है ना, वो आप लोगों के लिए आता है ना। वो आपको देखना है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, क्या वो पक्का आरएमएस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तो आप ही देखोगे ना, आपको ही पता होगा। मुझे क्या पता कि आपके बच्चे का क्या लेवल है, मैं कैसे बताऊं आपको, बताइए, है ना। देखो रिस्क से इश्क करो, ठीक है, वो बड़ा अच्छा डायलॉग है, ठीक है, हर्षद मेहता स्कैम का बड़ा अच्छा डायलॉग है, रिस्क से इश्क करो। तो आप रिस्क भी लेना चाहते हैं और रिस्क से इश्क भी नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और रिस्क से इश्क नहीं करना चाहते हैं, तो चुपचाप आप सैनिक स्कूल में एडमिशन करवा लो, है ना। इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों ही जबरदस्त स्कूल है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको देखना है कि क्या रास्ता आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं तो देखिए, जब बच्चे ने मेरे पास पढ़ा नहीं है, मेरे को नहीं है नॉलेज, तो मैं आपको नहीं बता सकता, है ना। लेकिन तो ये आपको थोड़ा सा पंगा लेना पड़ेगा। किरण देवी जी का मैसेज है, हमारा बच्चा 5th क्लास क्रैश कोर्स आपके स्कूल में कर रहा है, उसका फॉर्म के लिए मैंने अलग से नंबर दिया हुआ है, अलग से उसका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, अलग से उसका ईमेल आईडी भी है, है ना। किरण देवी जी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, नंबर भी दिया था, आप डायरेक्ट मेल करो formhelpcarrier@gmail.com पर, तो आपको उस पर वहां पर जाकर के जानकारी मिल जाएगी। और अभी बच्चों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, कोई घबराने की और डरने की बात नहीं है। आप लोगों के पास और भी चीजें हैं टेंशन लेने के लिए, है ना, परेशान होने के लिए, दुखी होने के लिए, और भी चीजें आपकी लाइफ में, ये टेंशन हमारी है, ठीक है। शैलेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सर जो स्कूल चल रहा है उसका क्या करेंगे? देखिए, एक तरफ आप चाहते हो कि मेरा बच्चा ऑफिसर भी बन जाए, एक तरफ आप चाहते हो कि मेरा बच्चा कलेक्टर भी बन जाए, और एक तरफ आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते हो। अरे जैसे आपका बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, वैसे ही आपका बच्चा अंबाला में पढ़ेगा, दोनों का प्रोसेस सेम है। जैसे वहां से आपको सीबीएसई का सर्टिफिकेट मिलता है, मैं यहां से आपको सीबीएसई का सर्टिफिकेट दूंगा, है ना। बस फर्क यही है कि यहां पे मेरे पास बच्चा 24 घंटे मेरे पास है, तो मैं उसकी पढ़ाई का ज्यादा ध्यान दे पाऊंगा, है ना, और मैं उसको स्ट्रिक्टली मैं उसको तैयारी करवा रहा हूं सैनिक स्कूल के अकॉर्डिंगली, मिलिट्री स्कूल के अकॉर्डिंगली, सिंपल। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप अगर चाहे आपका बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, स्कूल करेगा चल रहा है, चाहे वो अंबाला में कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे आपका बच्चा 2-3 साल से वहां पे पढ़ रहा है जहां पे आप रहते हैं, वैसे ही अंबाला में आएगा, 1-2-3 साल आप तैयारी करवाओ, क्या दिक्कत है। अगर आपको लगे कि नहीं मेरे बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे में, क्योंकि देखो स्कूल की पढ़ाई में और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई में बहुत फर्क होता है, ठीक है। सत्यम पटेल जी का मैसेज है, माय फादर इज इन आर्मी, आई लिव इन बिहार एंड आई एम राइट नाउ इन राजस्थान बीकानेर। देखिए आपके पापा आर्मी में, आप कहीं से भी फॉर्म भरोगे आपको 25% कोटा मिलना है, ठीक है, चाहे आप बिहार में फॉर्म भरो, चाहे आप राजस्थान से भरो, ठीक है।
वैसे आप जहां से बिलोंग करते हो वहां से फॉर्म भरोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आप पेपर कहीं से भी दिलवा सकते हो, आप राजस्थान से भी दिलवा सकते हो, बिहार से भी दिलवा सकते हो, ठीक है। और आप किसी भी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हो, आर्मी वालों को 25% कोटा मिलना ही मिलना है, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, सातवें नंबर पे आता है महाराष्ट्र। तो अगर कोई बच्चा मेरा महाराष्ट्र से बिलोंग करता है तो वो किसका फॉर्म भरेगा, या तो वो फॉर्म भरेगा सैनिक स्कूल चंद्रपुर का, और या तो वो फॉर्म भरेगा सैनिक स्कूल सतारा का, ठीक है। अगर आपको डिटेल में सैनिक स्कूल सतारा के बारे में पढ़ना है, जानकारी लेना है, तो आपको www.sainikschoolchandarpur.com पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं, सिंपल। सैनिक स्कूल विनोद कुमार जी, सैनिक स्कूल का जो खर्चा होता है वो करीब करीब मैं आपको बता दूं 1.5 लाख रुपए के करीब आता है, और हमारा टारगेट क्या है कि जो हमारी फीस है वो 1,25,000 1,30,000 तक आए, जिसमें आपका रहना पीना खाना, हमने यही टारगेट बनाया कि यार सैनिक स्कूल से भी कम फीस में मैं आपको ज्यादा फैसिलिटी दूंगा। जैसे मैं आपको हॉर्स राइडिंग भी करवाऊंगा, मैं आपको एनसीसी की ट्रेनिंग भी करवाऊंगा, मैं आपको स्विमिंग की ट्रेनिंग भी करवाऊंगा, और हमारे स्कूल में एक एक क्लासेस हमने स्मार्ट क्लासेस बनाई हुई है। जैसे गवर्नमेंट के पेपर होते हैं, हमारा बच्चा हर संडे को ऑनलाइन टेस्ट देता है, सही है। फादर का डोमिसाइल लगता है जी, शौर्य वीर जी, फादर का डोमिसाइल लगता है। आगे चलते हैं, मिजोरम स्टेट की बात करें तो जो भी बच्चे मिजोरम के हैं उनको सैनिक स्कूल चिंगचिप में अप्लाई करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, सही है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.ssimphal.nic.in, सही है, SS इम्फाल। और सबसे पहले जो लड़कियों के लिए स्टार्ट हुआ था ट्रायल बेसिस पे, वो सैनिक स्कूल चिंगचिप में स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले लड़कियों को मौका दिया गया था सैनिक स्कूल में, ठीक है। लेकिन अब सभी सैनिक स्कूल में भी हो चुका है, मिलिट्री स्कूल में भी हो गया है, एनडीए में भी हो गया है, और अब हमारे लड़कियों के दोनों हाथ में लड्डू हैं, पेरेंट्स के दोनों हाथ में लड्डू हैं। केशव गोयल जी का मैसेज है, हरियाणा में सीट्स नहीं है तो आप पंजाब में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आप घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हो। कॉल करो, देखो कॉल करोगे तो डिटेल में जानकारी मिलेगी, है ना। फादर का डोमिसाइल लगेगा सैनिक स्कूल में। देखिए मूलचंद सैनी जी, अगर आपका बच्चा मेरे पास आता है तो मैं क्या करूंगा उसको, मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मैं उसको अगले 1-2 साल के अंदर मैं उसको सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में या आरआईएमसी देहरादून में या गुरुकुल में निकालू, सही है। संजीत कुमार जी का मैसेज है, हमारे स्कूल में भी जो बाकी स्कूल होते हैं उनके तरह छुट्टियां होती हैं, जैसे गर्मियों में छुट्टियां होती हैं, है ना, दिवाली में छुट्टियां होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ छुट्टियां कम होती हैं। जैसे बाकी स्कूल में क्या होता है 50 दिन की छुट्टी होगी, हमारे स्कूल में कम होती हैं। जैसे सर्दियों में छुट्टियां ज्यादा पड़ती हैं, हमारे यहाँ पे ज्यादा छुट्टियां नहीं पड़ती हैं। अगर आपका बच्चा घर भी गया है तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। बाकी देखो आपकी मर्जी है, मान लो आपका बच्चा घर पे गया, आप चाहते हो नहीं नहीं मेरे को ऑनलाइन क्लासेस नहीं करानी है, 10 दिन के लिए छुट्टियों पर आया, छोड़ देते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वो आपके हाथ में। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर बच्चा छुट्टियों में भी गया हुआ है तो उसको छोड़ना नहीं है, ताकि उसका रिदम ब्रेक ना हो, है ना, उसका जो एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है हर रोज हॉस्टल में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की जो आदत है वो उसकी खराब ना हो जाए। सत्यम पटेल जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल में फीस कितनी है। देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है, है ना, 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है। बाकी आप कॉल करके पता करो कि वो कौन सा तरीका है जिससे आपकी फीस सिर्फ 1 लाख रुपए लगेगी, वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आपकी फीस सिर्फ 1 लाख रुपए लगी, वो कॉल करके पता करो, तब मजा आएगा। अगर आप टाइम से पहले एडमिशन करवा लोगे तो, अगर आप लेट करवाओगे तो दिक्कत आएगी। मूल चंद जी का मैसेज है, सर हमारा स्कूल अंबाला कैंट हरियाणा में है ना, अंबाला कैंट हरियाणा में है, करीब करीब 800 बच्चा हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहा है, ठीक है जी, करीब करीब 800 बच्चा हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहा है। लक्ष्मी गुप्ता जी को वीकली टेस्ट का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैडम आपको कुछ नहीं करना है, आप एक मेल डाल दो careerdefensschool@gmail.com पर, आपका नंबर हम ऐड कर देंगे, ठीक है,
आपका नंबर हम जैसे ही ऐड करेंगे, आपको जो भी टेस्ट होते हैं उसकी सारी प्रॉपर वीकली टेस्ट की रिपोर्ट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सत्यम पटेल जी का मैसेज है, हॉस्टल का नंबर क्या? हॉस्टल का नंबर आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ईमेल आईडी मिलेगी। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो जिन काउंसलर्स के थ्रू आप एडमिशन करवाते हो उन्हीं को कॉल करना है। आपको कोई दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है, आपने उन्हीं को कॉल करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग बार 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 बार, अब 1000 पेरेंट्स अगर रोज स्कूल में कॉल करेंगे, हॉस्टल में कॉल करेंगे, तो हम बच्चे को संभालेंगे कि मम्मी पापा को संभालेंगे, है ना। चलो जी, अब बात करते हैं, 9वें नंबर पे आता है आपका राजस्थान में कौन सा सैनिक स्कूल है? सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। तो अगर कोई बच्चा राजस्थान से बिलोंग करता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, एक है आपका सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और दूसरा ऑप्शन है आपके पास सैनिक स्कूल झुंझुनू। और सबसे अच्छी बात यह है कि चित्तौड़गढ़ में भी 100 सीट्स हैं, सैनिक स्कूल झुंझुनू में भी आपको बता दूं कि करीब करीब 100 सीट्स हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ और राजस्थान वाले बच्चों के लिए फायदा है। स्टेट काफी बड़ा है, बच्चे भी काफी ज्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है ना। और जो भी राजस्थान का बच्चा है अगर वो चित्तौड़गढ़ में फॉर्म भरता है, कोई भी जानकारी चाहिए तो www.sschittorgarh.com पर जाना है, ठीक है जी। सुरेंद्र जी का मैसेज, सर अगर बच्चे का डोमिसाइल लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है, फादर का भी लगा सकते हो सैनिक स्कूल में, बच्चे का भी लगा सकते हो, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में फादर का ही लगेगा, ठीक है जी। बाकी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में, चाहे वो सैनिक स्कूल कुंजपुरा है, ठीक है, रेवाड़ी है, रीवा है, ठीक है, सुजानपुर टीरा है, नगरोटा, इनमें किसका लगेगा? फादर का भी लगा सकते हो, बच्चे का भी लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। गोरख चौधरी जी का मैसेज है, गोरख चौधरी जी आपका बच्चा हिंदुस्तान में किसी भी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्जाम सेंटर पे पेपर दे सकता है। जरूरी नहीं है कि आप यूपी में है तो यूपी से ही पेपर देना है, कहीं से भी आप दे सकते हैं। अब जैसे हमारे बच्चे हैं जो हमारे थ्रू फॉर्म भरवाते हैं वो अम्बाला में सेंटर डाल देते हैं, क्योंकि वो क्रैश कोर्स करने अम्बाला में आएंगे, चाहे वो 3 महीने का क्रैश कोर्स करें, चाहे वो 2 महीने का क्रैश कोर्स करें, उन्होंने कहाँ आना है? अम्बाला में ही आना है, सिंपल। विनय दुबे जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 2010। 25 अप्रैल 2010 वाला जो बच्चा है उसके पास लास्ट चांस है, तो वो 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का भी पेपर दे सकता है, मिलिट्री स्कूल का भी पेपर दे सकता है, गुरुकुल का भी दे सकता है, ठीक है। बट दिक्कत यही है कि 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। आप आराम से बच्चे को 1 साल 2 साल 3 साल प्लान करो, ठीक है, क्योंकि 6th क्लास के बाद 8th क्लास के लिए बच्चे को RIMC देहरादून का मौका मिलता है। अंकित शर्मा जी, सारे सैनिक स्कूल बहुत बढ़िया हैं। विनय दुबे जी का दूसरा जो बच्चा है उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 2011। 29 अगस्त 2011 वाला जो बच्चा है उसके पास 2 चांस है, यानी वो 2022 का भी पेपर देगा और अगला पेपर 2023 में देगा, सही है। आभा सेन जी का मैसेज है, टेस्ट में हुई गलती का बच्चों को पता नहीं होता। देखिए, जो बच्चे तो हॉस्टल में है तो उनको तो पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाता है ना, पूरा पेपर A to Z, ठीक है, सॉल्व करवाया जाता है और हर हफ्ते बच्चों को 2 सैंपल पेपर करवाए जाते हैं, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा है, चाहे वो 9th क्लास का बच्चा है ना। बाकी अगर आपका बच्चा घर पे बैठ करके तैयारी कर रहा है तो फिर उसके लिए आप बताइए कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। हमने आपके लिए ऐप बना दी है, ऐप के अंदर हम सैनिक स्कूल के फ्री सैंपल पेपर का वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का डाल रहे हैं, RIMC देहरादून का डाल रहे हैं, ठीक है। आप बताओ हम आपकी कैसे मदद करें, यूपी सैनिक स्कूल का डाल रहे हैं, फ्री सैंपल पेपर का वीडियो डाल रहे हैं, बाकी अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, सही है। आप हमें बताओ, देखो हमने वीकली टेस्ट भी हमने पेरेंट्स के लिए फ्री कर दिया है, ठीक है, पिछले 5 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर का बुक हमने आपके लिए फ्री कर दिया है, वीकली टेस्ट हमने फ्री कर दिया है, बुक हमने फ्री कर दिया है, फॉर्म भी हमने आपके लिए फ्री कर दिया है। कोई भी पेरेंट्स आता है हम फ्री में फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स क्या होता है कई बार खुद फॉर्म भरते हैं उनको जानकारी नहीं होती, फॉर्म गलत हो जाता है। क्रैश कोर्स की फीस हम बहुत मिनिमम फीस ले रहे हैं, और आप हमें बताओ कि हम क्या करें, जो फीस सरकार ले रही है सैनिक स्कूल के लिए उससे भी कम फीस में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं।
आप और बताओ, हमें सजेशन दो कि हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए, है ना, क्या बेस्ट पॉसिबल वे रहता है। पप्पू राम जी, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में, आप मेरा वीडियो ठीक से ध्यान से देख नहीं रहे हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में, सिक्स्थ क्लास के लिए, है ना, सिक्स्थ क्लास के लिए 100 सीट्स हैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, और झुंझुनू में भी 100 सीट्स हैं। चित्तौड़गढ़ जबकि नाइन्थ क्लास में एक भी सीट्स नहीं है, तो आप किसी अदर स्टेट में अप्लाई करो, ना तो झुंझुनू में है और ना ही। आगे चलते हैं, अंकित शर्मा जी, अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है, अप्रोक्सीमेटली। संजीत कुमार जी का मैं, सर छुट्टी में बच्चों को घर ले जाना अनिवार्य है? बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, हमारा स्कूल चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, बच्चे भी हॉस्टल में हैं, टीचर्स भी हैं। ये छुट्टी दिवाली की हमने उन पेरेंट्स के लिए किया है, कुछ पेरेंट बहुत खतरनाक है, हमें तो दिवाली मनानी ही मनानी है, इसके दादाजी मान ही नहीं रहे हैं, इसकी मम्मी मान ही नहीं रही है ना, तो ऐसे केस में भैया जो ले जाना चाहता है ले जाओ, हमारी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है, हमारी क्लासेस चल रही हैं, हम लोग भैया देखो बिल्कुल पागल आदमी है, 12 महीने एक्टिव रहते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ करके लाइफ में आगे निकालना ही हमारा मोटिव है ना। अगर हम ऐसे गर्मियों की और सर्दियों की छुट्टियां मनाने लग गए तो हमारे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुषार चौधरी जी का मैसेज है, सर आपसे एक चीज पूछना है कि आपके खाने में क्या क्या है बताओ। अरे वाह वाह वाह, हमारे खाने में वही मिलता है जो आपके घर में मिलता है, अब आप सोच लो आपके घर में क्या मिलता है ना। हम लोग कोई अमेरिका में तो स्कूल है नहीं हमारा, है ना, या यूरोप में हमारा स्कूल तो है नहीं कि हम यहाँ पे आपको सी फूड खिला रहे हैं, है ना, हम भी हिंदुस्तान में ही रहते हैं, अंबाला कैंट हरियाणा में हमारा स्कूल है, तो आप खुद ही दिमाग लगाओ हमारे स्कूल में क्या मिलता होगा, सोच के देखो, है ना। जैसे आपके घर में खाना मिलता है वैसे ही हमारा स्कूल है, आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो, राजमा चावल खाते हो, छोले खाते हो, आलू के परौंठे खाते हो, परौंठा दही खाते हो, वही सब हमारे हॉस्टल में भी मिलता है। सातों दिन अलग अलग खाना मिलता है, नाश्ता अलग है, दोपहर का खाना अलग है, रात का खाना अलग है ना। बाकी जो लोग सिर्फ मेन्यू देख करके आ रहे हैं वो लोग स्कूल में ना आए, क्योंकि वो हमेशा परेशान रहेंगे, दुखी होंगे, ठीक है। जो थोड़े शाही परिवार के लोग हैं वो हॉस्टल में ना आए, क्योंकि जो हमारा हॉस्टल है वो थोड़ा शाही परिवार के लोगों के लिए नहीं बना हुआ है, बहुत ही मिनिमम फीस है, तो जो लोग पागल है ना लाइफ में कुछ करना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए बनाया हमने, उनके हिसाब से बनाया है और उन्हीं के लिए बनाया है, जो बिल्कुल दिमाग से पागल लोग हैं जो लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है जी। पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, हमने स्मार्ट क्लासेस लगाया हुआ है, पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, हमने वीकली ऑनलाइन टेस्ट के लिए कंप्यूटर लैब लगाई हुई है, पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, हमारे एक से बढ़कर एक टीचर है, पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, हम लोग 12 महीने इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 10वें नंबर पे, अरुणाचल प्रदेश का बच्चा कहाँ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बच्चों के लिए सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग है, और www.sainikschooleastsiang.com पर जाकर के आप कोई भी बच्चा डिटेल में सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग की जानकारी ले सकता है, और अरुणाचल का जो बच्चा है वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा सीट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सियांग के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। आगे चलते हैं, एक बच्चा है हमारा 23 जून 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 23 जून 2009 वाला जो बच्चा है, 23 जून 2009 वाला जो बच्चा है वो अभी 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का पेपर देगा, ठीक है जी, 8th क्लास में RIMC देहरादून का पेपर देगा, 2023 में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर देगा 9th क्लास के लिए, ठीक है जी। सत्यम पटेल जी, राजस्थान में 2 सैनिक स्कूल हैं और दोनों में ही 9th क्लास के लिए एक भी सीट नहीं है, ठीक है, आपने हार नहीं मानना है, निराश नहीं होना है,
आप लगातार 3 साल तैयारी करो डायरेक्ट एनडीए की, ठीक है, क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में लगातार 3 साल 4 साल एनडीए के लिए तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, हर चीज का रास्ता है। 9th क्लास में सीट नहीं है, आपके पास दो ही रास्ता है, एक तो है कि आप दुखी हो जाओ और तैयारी करना छोड़ दो, और दूसरा जिससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, और दूसरा रास्ता ये कि आप आगे 2 साल 3 साल लगातार एनडीए की तैयारी करो, जिससे आपके ऑफिसर बनने के चांसेस उतने ही है जितना एनडीए में सैनिक स्कूल में जाकर के होते हैं। सिर्फ सोचने का तरीका अलग है, दुनिया को देखने का नजरिया अलग है। आदित्य भाई का मैसेज आया, सर सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश में 9th क्लास के लिए कितनी सीट्स हैं? सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा की बात चल रही है, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा 9th क्लास में एक भी सीट्स नहीं है। तो हिमाचल वाले बच्चे क्या करेंगे, आप अप्लाई करो पंजाब के लिए, घबराना नहीं है, गुरुकुल की तैयारी करवाओ, सेंट्रल हिंदू स्कूल की तैयारी करवाओ, भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करवाओ, प्रिंस जी का मैसेज है, प्रिंस भैया जी इतनी मेहनत करते हो भाई, क्वेश्चन को रिपीट करो, कई बार क्वेश्चन है ना ऊपर चले जाता है, थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाओ, मुझसे तो आप लोग बहुत समझदारी की उम्मीद करते हो, है ना। इतने सारे कमेंट आते हैं मेरे भाई, मैं किसी से नाराज नहीं हूं, ठीक है, बिल्कुल जी। 6th क्लास के लिए आदित्य, आदित्य कोहली जी लास्ट चांस है आपके पास, 6th क्लास के लिए आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल का फॉर्म भर सकते हो, और अभी आपके पास पूरा नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च है, तो आराम से 5-6 महीने आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बात करते हैं 11th नंबर पे आता है उत्तराखंड, तो अगर कोई उत्तराखंड का बच्चा है वो कहाँ अप्लाई करेगा, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, www.ssghodakhal.org पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, घोड़ाखाल के बच्चों के लिए। ऐसी बात करते हैं जो हमारे बच्चे असम के हैं, वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, सैनिक स्कूल गोलपारा में, ठीक है, तो www.sainikschoolgolpara.org पर आपको डिटेल में फीस कितनी है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, क्लास 6th के लिए सीट कितनी है, 9th क्लास के लिए सीट कितनी है, सैनिक स्कूल गोलपारा का फीस स्ट्रक्चर कितना है, वो सारा आपको डिटेल में उसी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। अगर बात करें बिहार के बच्चों के लिए, तो सैनिक स्कूल गोपालगंज है, www.ssgopalganj.in पर जाकर के आप जानकारी तुषार चौधरी जी का सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा है, रामबीर सिंह जी गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है वो प्राइवेट स्कूल है, लेकिन फीस उसका बहुत कम है, सिस्टम बहुत अच्छा है, जैसे कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला है वो प्राइवेट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, फीस बहुत कम है, तो ये आप लोगों के अकॉर्डिंगली बनाया है, क्योंकि आप लोग ये खर्चा बड़े आराम से उठा सकते हो। प्रिंस भाई का दोबारा से मैसेज आया है, सर मेरा भाई 6th क्लास में सैनिक स्कूल मैनपुरी में पढ़ता है, पढ़ना चाहता हूँ, उसका क्या है फॉर्म 9th क्लास में डालूँ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, तो फॉर्म सकता हूँ क्या, बताओ हे भगवान क्या मैसेज किया ये, सर मेरा अभी क्लास 6th में सैनिक स्कूल मैनपुरी में पढ़ता है भाई के बारे में बात करें चाहता हूँ, क्या मैं उसका फॉर्म डाल सकते हो, आप कहीं पे भी डाल सकते हो, मैंने आपको बताया अगर आपकी एज आती है और आप सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो तो भी आप डाल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगला मैसेज है सैनिक स्कूल कुंजपुरा, प्रिंस भाई मैसेज तो ठीक लिखो, समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाहते हो, बट जितना समझ में आया है आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओबीसी का क्या कट ऑफ रहता है, उत्तम कुमार जी का मैसेज है, देखो 300 नंबर का पेपर है, कम से कम आपको 230 नंबर 240 नंबर लेना पड़ेगा, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे आप डिफेंस कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, सिंपल सा फंडा है। छोटू राम जी का मैसेज, सर आरएमएस का रिजल्ट कब आएगा, पेपर के कम से कम 25 दिन 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, वेट करो इंतजार करो, ठीक है।
तुषार चौधरी जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में कार्टून दिखाते हैं क्या, क्योंकि मुझे डोरेमोन फेवरेट है, मैं आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूं, अभी फोर्थ क्लास में हूं, प्लीज रिप्लाई। तुषार मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में कार्टून नहीं दिखाया जाता, हमारे स्कूल में बच्चों को मोटिवेशनल पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जैसे आपका तारे जमीन पर हो गया, भाग मिल्खा भाग हो गया, है ना, या आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड मूवीज होती हैं, जैसे गांधी जी के ऊपर मूवीज हैं, है ना, आपके आजादी की लड़ाई के ऊपर मूवीज हैं, चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह के ऊपर कोई मूवीज है, ठीक है। तो आपको जो भी चीजें दिखाई जाएंगी वो सिर्फ ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जिससे आप ऑफिसर बन पाओ, जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ठीक है। आपको कार्टून देखना है तो आप घर पे रहो, ठीक है, घर पे ही ये सब चीजें होती हैं जो आप चाहते हो, मनमर्जी वाला सिस्टम घर पे ही चलता है, ये चीजें हॉस्टल में नहीं हो पाती हैं। हॉस्टल में आप आओगे फिर कल को आप परेशान होगे, फिर आप बोलोगे हमारा स्कूल अच्छा नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, सिस्टम ऐसा है वैसा है, ठीक है। आपको कार्टून देखना है तो आप घर पे रहो, लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो आप मेरे पास आओ, शाम को डेली 2 घंटे 3 घंटे बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, ठीक है, साइकिलिंग करो, स्केटिंग करो, हॉर्स राइडिंग करो, स्विमिंग करो, ठीक है जी, लेकिन कार्टून देखने का मौका आपको नहीं मिल पाएगा। शैलेंद्र जी का मैसेज, सर आपके हॉस्टल से एक बच्चा था, उसने मुझे बताया था आपके बारे में, मेरे लिए आप बेस्ट टीचर हो। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, है ना। देखिए 800 बच्चे हैं तो इसका मतलब वो बच्चे खुश हैं, वो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तभी इतना बड़ा स्कूल चल रहा है ना। टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, टीचिंग, उसके बाद आता है खाना पीना, और तीसरे नंबर पे आता है स्पोर्ट्स। अगर हमारे बच्चों को ये 3 चीजें अच्छी मिल रही है, बच्चा कहीं नहीं जाता, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती, बच्चे बहुत बढ़िया होते हैं, पेरेंट्स बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है। बाकी 5-10% बच्चे और पेरेंट्स जिन जो हॉस्टल में नहीं रह पाते हैं, बच्चों के बिना नहीं रह पाते, उनके साथ हमेशा एक चैलेंज रहता है। एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है, क्लास 6 बच्ची के लिए बताइए कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, डोमिसाइल हरियाणा का है। डोमिसाइल हरियाणा का है तो आप सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए फॉर्म भरो, 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, हॉस्टल में फ़ोन लाना अलाउड नहीं है, ठीक है, हॉस्टल में फ़ोन लाना अलाउड नहीं। हर संडे को बच्चों को मूवीज़ दिखाई जाती है ना, हर संडे को अलग अलग मूवीज़ बच्चों को दिखाई जाती है, सिंपल। तृप्ति जोशी जी का मैसेज, सर मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 2011। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है, ठीक है, 2022 में भी अप्लाई कर सकता है, 2023 में भी। आगे चलते हैं, बात करते हैं सैनिक स्कूल मैनपुरी का। अगर कोई बच्चा हमारा मैनपुरी से बिलोंग करता है तो अप्लाई करेगा सैनिक स्कूल इम्फाल के लिए, और उसका ऑफिशियल एड्रेस क्या है, www.ssimphal.nic.in पर। अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश है तो सैनिक स्कूल झांसी के लिए अप्लाई करेगा www.ssjhansi.co.in, ठीक है। अगर कोई बच्चा राजस्थान से है तो सैनिक स्कूल झुंझुनू के लिए अप्लाई कर सकता है ssjhunjhunu.com, सही है, www.ssjhunjhunu.com। क्या ऑफिशियल एड्रेस पे आपको डिटेल में चीज मिल जाएगी, बट फिर भी अगर आप मान लो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जा रहे हो, आप चुपचाप हमें कॉल करो, है ना, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, हमने आपके लिए बहुत बड़ा कॉल सेंटर बनाया हुआ, बहुत बड़ा, ताकि हम आपको सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में, आप कभी भी हमें कॉल करो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो आंध्र प्रदेश का बच्चा है वो सैनिक स्कूल कालीकिरी में अप्लाई करेगा, www.kalikirisainikschool.com पर, सही है, kalikirisainikschool.com पर। पंजाब के बच्चों की बात करें तो सैनिक स्कूल कपूरथला है ना, अगर कोई बच्चा हरियाणा से है या हिमाचल से है तो कहाँ पे अप्लाई करेगा, 9th क्लास के लिए, वो अप्लाई कर सकता है सैनिक स्कूल कपूरथला में, क्योंकि 9th क्लास में सीट्स नहीं है, ना तो हरियाणा में है, ना तो हिमाचल में है, और ना ही जम्मू में है, तो पेरेंट्स के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग है। आगे चलते हैं, बात करते हैं, ईशा जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में बच्चों को पेरेंट्स से कितनी देर तक बात करवाई जाती है। देखिए हर 15 दिन में कॉलिंग होता है, हर महीने की 1 तारीख को और हर महीने की 15 तारीख को कॉलिंग होता है, सही है।
और उसमें बच्चों को आराम से 5 मिनट 7 मिनट बच्चों से बात करवाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में दिक्कत आती है 15 दिन 20 दिन, उसके बाद जैसे ही 15-20 दिन निकलता है इधर बच्चे भी सेट हो जाते हैं, उधर मम्मी पापा भी सेट हो जाते हैं, है ना। देखो अगर आपको हॉस्टल में पढ़ाना है तो हॉस्टल की लाइफ डिफरेंट होती है, बाकी आपको छुट्टियाँ मिलती हैं, आप दिवाली में बच्चों को लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्च में पेपर के बाद बच्चों को छुट्टियाँ मिलती हैं 10 दिन की, तो कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, छोटी छोटी छुट्टियाँ होती हैं, ये देखो जी एक हमारे पेरेंट्स हैं और इनका बड़ा ही प्यारा मैसेज आया हुआ है। सर जैसे तुषार ने कहा है कि कार्टून देखना चाहिए, मैं कार्टून दिखाने के लिए पेरेंट्स से 1,25,000 रुपये फीस नहीं ले रहा हूँ भैया, थोड़ा सा अपने विवेक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ठीक है। ये 25 करोड़ रुपये का स्कूल मैंने इसलिए नहीं खोला है कि मैं आपको यहाँ पर बिठा के कार्टून दिखाऊँ, है ना, सही है। व्यवस्था का मतलब ये है कि मैं आपको लाइफ में आगे ले जाने में कैसे मदद कर सकता हूं, आपको बेवकूफ और आपको गधा बनाने में मदद नहीं करना मैंने, सही है, समझिए। पहले मैंने आपसे ये पूछा है कि मैं आपके बच्चों को लाइफ में आगे ले जाने में कैसे मदद करूं, है ना। तो मैंने आपको कार्टून दिखा के आप लाइफ में कैसे आगे जाएंगे, भगवान जाने, है ना। आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ ऋतिक कुमार मिश्रा जी का मैसेज। सर मैंने आपके सैनिक स्कूल की वीडियो देखा था, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में एडमिशन हो चुका है। अरे वाह वाह ऋतिक कुमार मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चलो परमात्मा यही करें कि अगर आपको वीडियो देखने से फ़ायदा हुआ और अब आप सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच, है ना। ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मेरे पास जो भी कुछ है और उसमें अगर परमात्मा का रोल है, मेरे घर परिवार वालों का रोल है, या उसमें कैरियर डिफेंस स्कूल का रोल है, या मेरे दोस्तों का रोल है, तो वो ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगा, आपकी सोच बहुत अच्छी है ऋतिक कुमार मिश्रा जी। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट भी हो जाते हैं, बताते भी नहीं है, चले भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। ईशा सैनी जी का मैसेज, सर आपके स्कूल से लगभग कितने बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है? 50-60% बच्चों का बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाता है। काफ़ी बच्चे सैनिक स्कूल में निकल जाते हैं, काफ़ी बच्चे मिलिट्री स्कूल में, काफ़ी बच्चे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। अभी हमारा एक बच्चा है अंबाला से, हरियाणा से सिलेक्ट हुआ है RIMC देहरादून में, जसजोत सिंह, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, है ना। और आपको बता दूँ आज से 2 साल पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, वही सेम बच्चा सैनिक स्कूल और RMS का भी पेपर उसने निकाला था, बट उसने हार नहीं मानी, उसने आगे 2 साल और तैयारी करी, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से बुक्स लिया, और फाइनली अभी वो RIMC देहरादून में जा चुका है और उसको प्रताप हाउस मिला है, ठीक है। तो वही है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। बात करते हैं केरला के बच्चों की, तो केरला का बच्चा कहाँ पे अप्लाई करेगा? सैनिक स्कूल कोझाकोटम में, और उसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? www.sainikschooltvm.nic.in पर जाकर के आप जानकारी ले। कर्नाटक का बच्चों के लिए दूसरा सैनिक स्कूल कौन सा है? सैनिक स्कूल कोडागु, ठीक है, और www.sainikschoolkodagu.edu.in पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश के बच्चों की बात करें तो सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में अप्लाई कर सकते हैं, और www.sainikschoolkorukonda.org पर जानकारी मिल जाएगी। हरियाणा का कोई बच्चा है तो कुंजपुरा में अप्लाई करेगा, और www.sskunjpura.org पर जानकारी मिल जाएगी। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का बच्चा अप्लाई करेगा सैनिक स्कूल मैनपुरी में, और www.sainikschoolmainpuri.com पर आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, है ना, डिटेल में। मंजू जी आपका बच्चा 17 अगस्त 2010 है गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ, गुड़िया के पास लास्ट चांस है, ठीक है। दो बच्चे हैं इनके, दिल्ली से हैं ये, तो एक जो पहला डेट ऑफ बर्थ लिखा है 17 अगस्त 2010, इसके लिए 6th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है, ठीक है। सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, ठीक है। और जो दूसरा बच्चा है उसके पास 11
अप्रैल 2012, इसके पास अभी टाइम है, आराम से 2 साल 3 साल तैयारी करवाओ, ठीक है। तैयारी इंपॉर्टेंट है, तैयारी करवाओगे सिलेक्शन अपने आप होगा, बिना तैयारी करवाए फॉर्म भरोगे कोई फायदा नहीं है, बिना तैयारी करवाए किताब लोगे कोई फायदा नहीं है, बिना तैयारी करवाए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लोगे कोई फायदा नहीं है। वीडियो देख के अगर हर कोई पढ़ के सेलेक्ट हो जाए फिर तो बात ही क्या है, फिर इतने बड़े बड़े लोग जो हॉस्टल खोल रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े जो लोग स्कूल खोलते हैं वो पागल थोड़ी है। तो ये आपको समझना है। एक एक भाई साहब का मैसेज आया, सर आपके स्कूल की फीस इतनी ज्यादा क्यों है, कम से कम 20,000 रुपये होनी चाहिए। मैं आशा राम से नहीं रहता हूं, क्या लिखा है, ओशो ऐशो आराम से नहीं रहता हूं, आपने कहा है जो आलीशान रहता है वो मत आए स्कूल में। सबसे पहले तो मैं आपको मजेदार बात बता दूं कि जो सरकारी सैनिक स्कूल है जो सरकार चलाती है उसमें भी गवर्नमेंट आपसे 1.5 लाख रुपए फीस लेती है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर बात समझ में आए, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कि जो सैनिक स्कूल जो है वो सरकार चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के चलाते हैं, उसके बावजूद वो आपसे 1.5 लाख रुपए लेते हैं, और हमारी जो फीस है वो 1.25 लाख रुपए के बीच में खर्चा आता है, जिसके अंदर रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ इंक्लूडेड होता है, ठीक है जी। तो हम सरकार से भी कम फीस ले रहे हैं, कोशिश है इसको और कम करेंगे, आगे टारगेट यही है कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो फीस ऑटोमेटिकली हमारा टारगेट होता है कि और हम कम करें, सही है, और हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान में भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे देश का हाल बहुत बुरा हो चुका है, बांग्लादेश से भी कम जीडीपी हमारी, बांग्लादेश की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उनका लिटरेसी रेट ज़्यादा हो चुका है, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा हो चुका है, और पिछले 20 सालों में बांग्लादेश, जहां आज से 20 साल पहले वो हमारे सामने कुछ भी नहीं था, बांग्लादेश का हाल बहुत बुरा था, वही बांग्लादेश आज हमें कॉम्पिटिट कर रहा है। आज कंपनियां इंडिया की बजाय बांग्लादेश में जाना प्रेफर करती हैं, सोच रहे हो आप, महिलाएं वहां की ज़्यादा एफिशिएंट हैं, लिटरेसी रेट वहां का ज़्यादा अच्छा है, फीमेल्स का लिटरेसी रेट वहां पे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हमारी जो महंगाई है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए प्रिंस कुमार जी, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत डाला तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, बस आप ये याद रखिए, ठीक है। विनोद कुमार जी का मैसेज है, एनुअल फीस ऑफ यूपी सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की फीस करीब 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा है, ठीक है ना, मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम 1.5 लाख रुपये फीस है। अभिषेक जी अम्बाला कैंट हरियाणा में है, एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लो भाई। आगे चलते हैं, जम्मू का अगर कोई बच्चा है तो वो सैनिक स्कूल नगरोटा के लिए अप्लाई करेगा, www.sainikschoolnagrota.com पर जाकर के डिटेल में जानकारी ले सकता है। बिहार का कोई बच्चा है तो सैनिक स्कूल नालंदा में अप्लाई करेगा, ठीक है जी। नागालैंड का अगर कोई बच्चा है तो सैनिक स्कूल पुलुंगवा में अप्लाई करेगा, www.sainikschoolpulungwa.nic.in पर डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। आगे चलते हैं, अगर कोई बच्चा वेस्ट बंगाल का है तो सैनिक स्कूल पुरुलिया में, है ना, ममता दीदी के यहाँ से अगर कोई है तो वो सैनिक स्कूल पुरुलिया में अप्लाई कर सकता है, www.sainikschoolpurulia.com ऑफिशियल वेबसाइट है। मध्य प्रदेश का बच्चा है सैनिक स्कूल रीवा में, www.sainikschoolrewa.com पर, ठीक है। रेवाड़ी की बात करें, हरियाणा की बात करें तो www.sainikschool, ध्यान से समझिए, रेवाड़ी में आपको अप्लाई करना है, ठीक है, रीवा में। तो हरियाणा का अगर कोई बच्चा है तो उसके बाद दो ऑप्शन है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा और रेवाड़ी, www.ssrw.org ऑफिशियल वेबसाइट है। उड़ीसा का कोई बच्चा है तो एक तो आपके पास भुवनेश्वर था, दूसरा कौन सा है, सैनिक स्कूल सब्बलपुर, www.sainikschoolsabbalpur.in पर जाके डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। महाराष्ट्र वाला कोई बच्चा है,
है ना, महाराष्ट्र वाला कोई बच्चा है तो www.sainikschoolsatara में भी अप्लाई कर सकता है, www.sainikschoolsatara.org ऑफिशियल वेबसाइट है। और हिमाचल का कोई बच्चा है तो सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, www.sainikschoolsujanpurdeera ऑफिशियल वेबसाइट है। झारखंड का बच्चा कहाँ पे अप्लाई करेगा, सैनिक स्कूल तिलैया ऑफिशियल वेबसाइट है, sainikschooltilaiya.org सही है, sainikschooltilaiya.org। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एक लाल बटन है ना उसको सब्सक्राइब कर लो। दिल्ली का बच्चा कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है, दिल्ली के लिए कोई सैनिक स्कूल नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और दिल्ली के बच्चों को अगर सैनिक स्कूल गुंजपुरा हरियाणा में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा सिक्स क्लास के लिए, नाइन्थ क्लास में सीट्स नहीं है। पुरुषोत्तम जी, अभी बच्चा फोर्थ क्लास में है, राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर दिलवाओ, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर दिलवाओ, गुरुकुल का पेपर दिलवाओ, ठीक है। डायरेक्ट सैनिक स्कूल का पेपर नहीं दिलवाना, पहले कहते हैं ना पहले जिंदगी में छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतो आप, डायरेक्ट बड़ी लड़ाई जीतने की कोशिश मत करो, पहले छोटी 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 लड़ाइयाँ, टेस्टिंग मोड पर काम करो। छोटे छोटे पेपर दो, गुरुकुल का दो, ओक ग्रोव स्कूल का दो, राय स्पोर्ट्स स्कूल का दो, उसमें देखो कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। अभिषेक भाई, कैरियर डिफेंस स्कूल के नाम से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लो। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में नाइन्थ क्लास के लिए 15 से 20 सीटें होती हैं, ठीक है, लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं। नाइन्थ क्लास के लिए 15 से 20 सीटें होती हैं। विनोद कुमार जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में अप्लाई करने के लिए डोमिसाइल किसका लगेगा, फादर और बच्चे किसी का भी लग सकता है। सर आपकी एक साल की फीस कितनी है, किस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हो, उत्तम कुमार फरीदाबाद हरियाणा से। अरे वाह, देखिए एक साल का करीब 1,25,000 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है, और अगर आप जल्दी एडमिशन करवा लेते हो, टाइम से एडमिशन करवा लेते हो तो फीस और भी कम होती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना आप लेट एडमिशन करवाओगे, जितना आप जनवरी में एडमिशन करवाओगे, फरवरी में, मार्च में, उस टाइम तक सीट्स फुल हो जाती हैं। कोशिश करो अक्टूबर में एडमिशन करवा लो, ठीक है, नवंबर में पहले एडमिशन करवा लोगे तो आपको फायदा होगा, लेट करवाओगे तो आपको हमेशा नुकसान है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, ठीक है, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कोशिश यही है कि आप लोगों को आगे लेकर के चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, थैंक।